अगर आपके पार्टनर ने भी आपको एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन दे रखी है और आप बहुत ज़्यादा वरीड रहते हो कि आपका पार्टनर फ्यूचर की एनर्जी में आपसे कांटेक्ट करेगा, आपकी लाइफ में वापस आएगा, आपसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करेगा या नहीं करेगा, और आप कहीं ना कहीं उस इंसान से मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनी है। ये एक जनरल वीडियो है, मैं ये बताना चाहता हूँ ये वीडियो सबको लगेगा शायद ये उन्हीं के लिए बनी है, बट सबके लिए नहीं होती है। हम बस जनरल प्रेडिक्शन करते हैं और हम इसमें कार्ड्स निकाल के बताते हैं कि आपकी लाइफ में एक्चुअल में होगा क्या। अगर आप पर्सनल टैरोट सेशन ले रखते हो तो हम उसके चार्जेस लेते हैं, फ्री में ये चीज़ें बिल्कुल गाइड नहीं कर पाते क्योंकि इसमें एनर्जी एक्सचेंज करना ज़रूरी होता है। तो चलो मैं कार्ड्स निकालता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि आपको एक्शंस क्या लेने चाहिए। तो पहला कार्ड निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि बताता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है। और दूसरा कार्ड निकला है 7 ऑफ वेंड्स का, कि काफ़ी टफ टाइम चल रहा है, काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हो और ये चीज़ें जल्दी सॉल्व नहीं होने वाली। बट मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये ना आपका एक टेम्परेरी पॉज है, आपको ना सरेंडर कर देना ये चीज़ यूनिवर्स को, अपने आप को। और जब आप सरेंडर कर दोगे ना अपने आप को यूनिवर्स की तरफ, तो सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। अगर आपके करने से होना होता तो बहुत पहले ही चीज़ें ठीक हो गई थी। तो मेरा मानना है आप थोड़ा सा इंतज़ार करो, शांत बैठो, देखना फ्यूचर की एनर्जीज में डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव होगा, ऐसा कुछ होगा जो आपने सोचा भी नहीं। तो बस अपने आप को सरेंडर कर दो यूनिवर्स की तरफ, टेम्परेरी पॉज है, बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा, डोंट गिव अप। थैंक यू।